आई यश की नई दुल्हन। चिक्की और यश का दिखा टशन। हॉटस्टार की सीरियल आशिकाना में हो गई है यश की दादी माँ की फेवरेट कविता की एंट्री, जो बहुत जल्द बनने वाली है यश की बीवी। असल में ये यश की दादी माँ की ख्वाहिश है कि यश कविता संग ब्याह रचाए, और इसीलिए देखिए कैसे कविता के यूएस से लौटने के बाद ही दादी माँ ना सिर्फ कविता के पोशाक से इंप्रेस हो गई है, बल्कि आरती उतार कर उसका घर में स्वागत भी कर रही है। यहाँ दादी माँ अपनी होने वाली बहुरानी के आने से बहुत खुश है, तो वहीं यश ब्रेकअप के बाद भी अब भी चिक्की के ख्यालों में डूबा हुआ है। और जरा देखिए तो ख्यालों में भी चिक्की और यश के बीच टशन ही दिख रहा है, जहां पर चिक्की अपनी तीखी बातों से यश के दिल पर वार कर रही है। At this point of time, अभी although दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत केयर करते हैं, और लेकिन जैसे कि बोलते हैं ना कि इश्क आसान नहीं होता, तो वैसे ही चिक्की की लाइफ में इतने सारे हर्डल्स हैं, इतने सारे बैरियर्स हैं बिकॉज ऑफ श्याम, बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन्स, कि वो उसे आई लव यू तो बोलती है, कन्फेशन तो करती है अपने प्यार का, लेकिन वो ये भी बोलती है कि मतलब शी इज़ हेल्पलेस, वो उसे पता है कि ये रिश्ता कुर्बान करना ही पड़ेगा, तो वो आई लव यू बोलती है पर रोते रोते बोलती है। सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फेशन, जहाँ कि हम देखते हैं कि यश अपनी सब चीज़ें, सब दिल का सारी चीज़ें बयां कर देता है, और चिक्की भी आई लव यू बोलती है लेकिन वो रोते रोते निकल जाती है। भाई यश तो चिक्की की बातों में इस तरह गुम है कि वो भूल गए कि उनके सामने कविता और बाकी घर वाले भी हैं, और देखिए कैसे चिक्की पे नाराज हो रहे हैं, और दादी को लगता है कि यश ने उन्हें शट अप कहा है। Just shut up! Shut up! खैर यश ने सिचुएशन तो संभाल ली, लेकिन साथ ही दादी माँ और सभी घर वालों के सामने कविता से ये भी कह दिया कि वो कविता से शादी नहीं कर सकता, जिसे सुनकर दादी हैरान रह जाती है, और कविता यश को समझते हुए उसका साथ देने की बात कहती है। फिलहाल तो कविता इसी घर में रुक गई है यश की बहन की शादी तक, लेकिन तब तक सीरियल की कहानी क्या रंग लाएगी ये तो आने वाले एपिसोड्स ही बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं चिक्की और यश यानी कि खुशी और जैन की, जो ऑन कैमरा के साथ साथ ऑफ कैमरा भी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और जैसे ही इन्हें शूटिंग से फुर्सत के पल मिलते हैं तो दोनों आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी दोस्ती और यारी की कहानी। कंपैरिजन तो बहुत है, बिकॉज यू नो वी आर रियली क्लोज टू ईच अदर एंड बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं अभी हम। सो हाँ, हमारा कंपैरिजन अगर करें यश और चिक्की से तो ऑब्वियसली नॉट दैट यश और चिक्की वाला रिलेशन, बट या वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एंड जैसे यश और चिक्की एक दूसरे के लिए यू नो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, सेम विथ जैन एंड खुशी, हम दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा यू नो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। जैसे आज आई एम नॉट फीलिंग वेल, अभी 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो शी कीप्स यू नो टेक्सटिंग मी, शी कीप्स कॉलिंग मी कि अब दवा खा ले, अब काढ़ा पी ले, अब ये कर ले, अब वो कर ले, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं करता हूँ। सो या That's it. मुझे बहुत ही जैन बहुत सपोर्ट करता है, एंड वी मेक श्योर कि जितने भी इमोशनल सीन्स हो रहे हैं वो बिल्कुल दिल से आए, ताकि वो यश और चिक्की को जस्टिफाई कर सके बिल्कुल अच्छी तरीके से। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे यश और चिक्की को बहुत सेंसिटिव और इमोशनल दिखाया गया, आई थिंक जैन एंड आई आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल व्हेन इट कम्स टू स्मॉल स्मॉल थिंग्स, तो ये सब चीज़ें कॉमन में है। खैर कहानी की बात करें तो चिक्की और यश का ब्रेकअप हो गया है, और अब इनके बीच की जो गलत फहमियाँ हैं वो कैसे दूर होंगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।